आप ये कार्ड देख पा रहे हैं? जी, आप दिख रहा है। हाँ, इस कार्ड में आप ध्यान से देखिए, क्रॉस। मैं फुल कर रहा, हाँ जी, मैम थोड़ा सा ऊपर करना होगा, फुल कार्ड नहीं हो रहा शो ना। देखिए यस देखिए, मैम। इसको मैं पार्ट्स में दिखाने की कोशिश कर रही हूं। अभी आप फोकस कीजिए सिर्फ सर्कुलर रीजन पे। सर्कुलर रीजन के अंदर आपको एक ह्यूमन फिगर दिखेगा जो कि क्रॉस पे क्रूसिफाइड है, इस तरीके का दिख रहा है। दिख रहा है आप जी सबको? ओके, जी 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 लेकिन अब हम हाफ कार्ड ही आ रहे हैं, हाफ आ रहे हैं। हाँ, अब सर्कल के नीचे का आप दिखा रहे हैं। मैम प्लीज वेट कीजिए। देखिए, ओके ओके सर्कल के नीचे का हिस्सा आप देखेंगे तो जी आपको क्या दिखेगा कि नीचे भी फिगर्स है, ह्यूमन फिगर्स जी जी है ना? और जी बैकग्राउंड में एक दीवार है और जी उसमें डोवे है, जी डोवे कह लीजिए, विंडो कह लीजिए, और कार्ड का नाम है सेल्टिक। पूरे कार्ड की जी आप इमेज आप देख पा रहे हैं, क्लियर होगी अब आपको? जी 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 ठीक है, ओके। तो ये कार्ड आप कब ड्रॉ करते हैं? ये कार्ड, आई एम जस्ट लोअरिंग द हैंड्स ऑफ ऑल, राइट? ओके, ये कार्ड हम तब ड्रॉ करते हैं जब सिग्निफिकेंट पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ था, सेल्टिक लैंड का एक हिस्सा थे। अब वो आप कैसे भी हो सकते हैं, सेल्टिक लैंड का आप हिस्सा हो सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो उस चीज को देखने के लिए ये कार्ड आया है और इसमें अभी भी कहीं ना कहीं वो जुड़ाव आप महसूस कर रहे हैं उस लैंड से मैम, ये क्या हो रहा है? जुड़ा। हाँ जी, सेल्टिक इज अगेन रिलेटेड टू क्रिश्चियनिटी। लेट मी प्लीज कंप्लीट, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब आप लोगों को मिल जाएंगे। प्लीज लेट मी कंप्लीट इट। देखिए, हम जब सेल्टिक लैंड की बात कर रहे हैं तो सेल्टिक लैंड से हमारा मतलब है वो लैंड जहां पे क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस होती थी और जहां पे ये क्रूसिफिकेशन हुआ था, समवेयर नियर आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ऐसी किसी जगह पे। तो या तो आप वहां पर गए हैं या आपके पिछले जन्म में आप इनमें से किसी कंट्री में थे। आप वहां से काफी फैसिनेटेड रहेंगे, आप उन कंट्रीज से काफी कनेक्टेड रहेंगे और हो सकता है कि पुरानी रिलीजन सेल्टिक लैंड की, उसके कुछ ट्रेसेस आपके दिमाग में अभी भी हो और आपका अचानक से इंटरेस्ट बन जाए कि आप उसके बारे में और जाने। लोग पढ़ते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट, हो सकता है कि वो इंटरेस्ट अचानक से जाग जाए। फिर हो सकता है आप पुराने टाइम में कुछ बहुत ही अच्छे उससे फैमिली से बिलोंग करते हो, आपका जो कनेक्शन है वो आपको इस तरीके का बना देगा कि आप इन सब जीव से ऑटोमेटिकली प्यार करने लगेंगे। आप फेरीज में बिलीव करेंगे, एंजल्स में बिलीव करेंगे, आप सारे जीव जंतुओं से प्यार करेंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, चाहे वो जानवर हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट करेंगे, आप उन्हें प्यार देंगे। फिर अगर आपको लगता है कि किसी की पर्सनालिटी में ये चीजें छलकती हैं तो उस उनका कनेक्शन इस कार्ड से कहीं ना कहीं है। और अगर ऐसा कुछ है और वो जानना चाहते हैं, देखो दिस कैन नॉट ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम, कई बार ये भी हो सकता है। जैसे कुछ हीलर्स हैं जिनके केस में ये कार्ड आता है, तो हीलर्स के केस में आता है इसका मतलब कि वो लास्ट लाइफ या अपनी पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे। When they are so connected to nature, तो अगर ऐसा है तो वो ये कर सकते हैं कि इनमें से किसी जगह को एक बारी विजिट कर सकते हैं तो उनको वो चीजें याद आ जाएंगी जो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस माइंड में दबी हैं, या फिर इनके बारे में और
पढ़ सकते हैं, जैसे इस जगह से जुड़े हुए पत्थर, सर्कल्स, कासल्स, स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट्स, ये सब क्या करेंगे, इनके दिमाग को और हीलिंग मेमोरीज देंगे और ये बहुत अच्छे हीलर्स बन जाएंगे। पास्ट लाइफ के कार्ड्स हमेशा हमारे जीवन में ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंट लेकर नहीं आते, कई बारी गाइडेंस लेकर आते हैं। सेल्टिक एक ऐसा ही कार्ड है जो ये बताता है कि आपने अपने पिछले जन्म में भी हीलिंग से रिलेटेड ही कोई काम किया था, तो ये जन्म भी आप ऐसा ही करेंगे, तभी उसके बारे में और डिस्कवर करने को बोला जाता है।